थिएटर वाला फील मिलेगा। एक तो मुझे लोगों की समझ में नहीं आती, घर में इनको थिएटर वाला फील चाहिए, थिएटर में जाते तो कोने वाली सीट लेके इनको घर वाला फील चाहिए। इतना कंफ्यूज, फिल्में देखेंगे उनका दिल लगा रहेगा। अरे दिल लगाने के चक्कर में हम चाइना से आगे निकला है। हमारी शादी को 5 साल हो गए, इसका सबसे छोटा भाई 2.5 साल का है। अभी भी फोन बजता है ना तो मैं डर जाता हूँ कहीं खुशी की खबर तो नहीं आ गई। एक सेकंड, कहाँ से खुशी की खबर आएगी? पापा तो आजकल नहीं रहते हमारे साथ, उनको तो 1 महीना आया हुआ है, क्या पता एग्जाम दे आए और रिजल्ट आना बाकी हो। नमस्ते सूरज जी, कैसे हैं आप? क्या कर रही है? बताया ना, दिखता नहीं है। हाँ, तभी आपको डायरेक्टर लिया। हाँ, तो तेरे को भी ऐसे ही हीरोइन कास्ट कराऊंगा, उसको दिखता नहीं है। देखिए सूरज जी, मुझे ठीक तरह से दिखता नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से सब सुन सकती हूँ। हाँ, मैं इधर हूँ। हाँ, संभालू मैं ना मुझे? मेरी पथरी निकाल दी मनोज ने। अच्छा देखिए सूरज जी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी फिल्म आप ही डायरेक्ट करेंगे। हाँ। और देखिए एकदम साफ सुथरी फिल्म होनी चाहिए। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हम हीरोइन किसे लेंगे? सर सर, हाँ बस याद रख, कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ। हीरोइन। हाँ। इसको रख लो। पर इसकी तो मूछें हैं। अबे ये मैं हूँ। मैडम, हमारी कंपनी ने किताबें नोट की, आप ये देख सकती हैं। इसमें बताया गया है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, ये आप पढ़ सकती हैं। अरे मुझे ये किताब नहीं चाहिए, मेरे यहाँ बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं? तो अगला पेज भी देखना, इसमें ये भी लिखा बच्चे कैसे पैदा करें। देखो हमारे यहाँ ना शादी से पहले बच्चे नहीं होते। मैडम बच्चे को कौन सा पता शादी के पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है? अरे तुम सोच समझ के बोला करो। कहाँ सिद्धार्थ, कहाँ तुम? सिद्धार्थ ने करण जौहर के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली थी और तुम कटोरे के साथ एंटर करते हो। तो जब सामने तुम्हारे जैसा चिल्लर होगा तो मैं कटोरे के साथ ही एंट्री करूंगा। एक्चुअली मैं क्या, मेरे मम्मी पापा ना एक्चुअली हनीमून मनाने गए थे गोवा, तो आई वाज डैम इम्प्रेस्ड, तो मुझे भी गोवा जाना है। अनिशा इज मूविंग टू गोवा। आपको लगता है कि मम्मी पापा ने हनीमून गोवा में मनाया होता? ऐसे बच्चे होते। ये वो वाला प्रोडक्ट है जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं हो जाती और पति सॉरी बोलने जाता है। से पता नहीं कितना लकी है कि इसको मैं मिली हूँ। अच्छा ना मैम, ये मेरा बर्थडे भूल गया। मैंने कुछ नहीं बोला, कोई और होती 6 महीने तक बात नहीं करती इससे। मैंने यही सोच के भूला था कि तू बात नहीं करेगी। तुम्हारे अंदर से कभी थोड़ा सा प्यार निकलेगा? पहले अपने मम्मी पापा को बोलो मेरे घर से निकले। पाजी मैंने कहा लड़की एक जोड़ी में कपड़े में जाइए, एक जोड़ी को गलत समझ गई, माँ बाप की जोड़ी ले आइए। वो जा ही नहीं रही है, सारा परिवार ऐसा इनका ना, दो कमरे का हमारा घर है, एक कमरे में इनकी माता जी सो रही है, दूसरे कमरे में पिताजी, हम कहाँ रोमांस करें? वॉशिंग मशीन में कहाँ जाएं?